अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सद्भावना के वो सदस्य जिन्होंने अंडमान में सद्भावना को कायम करने की कोशिश की। गांधी जी के आदर्श एकता अहिंसा इसको एक बुनियाद बनाकर एक नई शुरुआत अंडमान में की। आज हम जानेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसकी असल बुनियाद और अंडमान को मिनी इंडिया कहा जाने वाला जो पूरे देश में चर्चित है वो किस तरह से संपन्न हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ के कम्युनिटी से जानेंगे जो चारों एक ही प्लेटफॉर्म में आए हैं और गांधी जी का आज आदर सद्भाव किया है और गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सबसे पहले हम क्रिश्चियन कम्युनिटी से शुरू करेंगे। सर, आज के दिवस के बारे में कुछ बताइएगा। सब लोगों जोहार। आज पूरा भारतवर्ष गांधी जी का 153 जयंती मना रही है और उनके आदर्शों का पालन करते हुए हम अपने देश को किस प्रकार से प्रगति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग आपस में भाईचारा को निभाते हैं और जो भी समस्याएं होती है किसी भी समुदाय से हो हम सब मिलजुल कर एक साथ उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ पूरा संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है। कारण बस यही है कि हम आपस में मिलजुल के रहते हैं और हम यही हमारे संपूर्ण भारतवासियों को अनुनय विनय करते हैं। जिस प्रकार से हम अंडमान निकोबार में सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, एक भाईचारा को निभाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतवासी भी हमसे शिक्षा लें और उनकी जो अच्छाएं हैं उनको हम ग्रहण करें। अंडमान निकोबार वासियों की जो अच्छाएं हैं आप उनको ग्रहण कीजिए जिससे कि हम सब मिलके हमारा देश को एक शक्तिशाली बनाएंगे, एक उन्नति की ओर ले जाएंगे और एक विश्व प्रसिद्ध बना सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं एक छोटी सी वक्तव्य को अंत करता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित जी, एक नई शुरुआत एक नई हौसले के साथ। पंडित जी, सद्भावना मंच से जुड़ना और गांधी जी को फूल अर्पण करना कैसा लगा आज का दिन? श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत अच्छा लगा है जो सद्भावना मंच से हम लोग गांधी जी का जयंती मना रहे हैं, ये सबसे बढ़िया काम है। अभी हिंदू मुस्लिम सिख का एक अर्पण है, देश में सब जगह इसी तरह होना चाहिए, यही मैं जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सब जुड़े रहें, अच्छे रहें। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दलजीत सिंह जी। दलजीत जी, सारी कम्युनिटी के बीच में अलग से जुड़ना, साथ में मिलना और प्यार और आपस में अपनापन को बांटते रहना कैसा लग रहा है सद्भावना मंच ये? नमस्कार जी, माई सेल्फ दलविंदर सिंह फ्रॉम सिख कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन। मैं आप लोगों को ये क्लियर बताना चाहता हूँ, सद्भावना मंच इसका अर्थ अपने आप में ही छुपा हुआ है। सद्भावना, अच्छी फीलिंग, अच्छी भावना। ये कमेटी फॉर्म हुई है अंडमान में सब लोगों को आपस में तालमेल रखने के लिए, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए। मेरे साथ जावेद जी बैठे हैं, खड़े हैं, कश्मीर के हैं और मैं कैम्बल बे का हूँ और कश्मीर से कन्याकुमारी एक है और हम चाहते हैं अंडमान में ये फीलिंग लाएं, जात पात धर्म की नीति छोड़ दें और हम एक दूसरे के काम में मदद करें, सहयोग करें। यही हमारी ये सद्भावना कमेटी का, इस मंच का उद्देश्य है और सब लोग हमारे साथ मिलजुल कर काम करें, हम आपको आमंत्रित करते हैं। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। फारूक आलम साहब, चश्मों के पीछे आंख छुपा हुआ है लेकिन दिल में तो पर्दे नहीं लगे हुए हैं, कैसा लग रहा है सद्भावना मंच? दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मेरे प्यारे द्वीपवासियों, ये जो सद्भावना मंच है इसका जो उदय हुआ है, जमीयत उलमाए हिंद के तरफ से दिल्ली से एक प्रपोज़ल आया था कि जैसे पूरे देश के अंदर में जमीयत उलमाए हिंद ने एक सद्भावना मंच कायम किया और पूरे भारतवर्ष में इनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है, तो एक प्रपोज़ल अंडमान निकोबार में भी आया था। तो यहाँ जो विभिन्न धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे हम लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम जमीयत उलमाए हिंद का जो पूरे भारतवर्ष में जो कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ साथ उसके अलावा हम एक परमानेंट जो है एक संस्था, एक मंच हम यहाँ पे बनाएं जो सद्भावना मंच के नाम पे हो, जो इंटर रिलीजन डायलॉग्स कमिटी जैसा हो जिसमें सभी धर्म के लोग आएँ, मिलजुल करके अपने अपने विचारों को रखें और इस द्वीप की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे इन द्वीपों की जो पहचान है जिसे लघु भारत कहते हैं, मिनी इंडिया कहते हैं, गुलदस्ता कहते हैं, इसको इस पहचान को कैसे बरकरार रखें क्योंकि आगे आने वाले पीढ़ी को ये लेगेसी को, इस विरासत को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसी का एक प्रयास है
कि हमने सभी धर्म के लोगों ने मिलकर के ये सद्भावना मंच जो तैयार किया है, और हम आशा करते हैं कि द्वीपवासी बढ़ चढ़ करके, चाहे आप जिसी धर्म के हो, जिस भाषा के बोलने वाले हो, जिस प्रांत के हो, जिस राज्य के हो, आप सब मिलजुल करके इस मंच से जुड़े और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी जो लघु भारत वाली पहचान है, इस पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाए, यही इस मंच की जो है कामना है और प्रयास है। जय हिंद। जावेद साहब, सबसे अंत में हम आपके पास आते हैं। कैमल बे से शुरू कर दिया, कश्मीर की तरफ हमारा रुख हुआ है। बताइएगा जावेद साहब, कैसा लग रहा है सद्भावना मंच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इस मंच का हिस्सा हूँ, बहुत खुशी हुई है। और मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग इसमें आ जाएं, बहुत ही अच्छा मंच है। जितने भी सोशल कार्य करने वाले लोग हैं, इस मंच से जुड़े और बहुत फ़ायदा होगा अपना भी और देश का भी, और इस अंडमान निकोबार आइलैंड का। हमने 80s में एक टीवी में एक प्रोग्राम चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये उसी की एक कड़ी है। जो हम मिले सुर मेरा तुम्हारा जो था, तो वो हम भूल गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कोशिश में रहेंगे, ये सुर फिर से मिलेंगे, ये सुर फिर से मिलेंगे और बिखरने नहीं देंगे, इसको बिखरने नहीं देंगे। कितना भी कोई कोशिश करे, तो कश्मीरी में बोलते हैं चैन तरस ते मेन तरस, इकवट बनिए सैन तरस। भाइयों और बुजुर्गों, यही एक पैगाम देना चाहता हूं मैं सबको, मिलजुल के रहे, इस देश को मजबूत बनाए, अपनी जो जितना भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हमारे अंदर जो दरार पैदा करना चाहते हैं, उसे खबरदार रहें और इस मंच के साथ जुड़े और अच्छे कार्य करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद सर।